हिमाचल के सभी साथियों को दोस्तों मेरा यानी योगेश का स्नेह भरा नमस्कार आप सभी का आज के सेशन में दोस्तों, जहां पर हम फरवरी का तीसरा जो पार्ट है, लास्ट जो पार्ट है वो करने वाले हैं। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करूंगा आप सभी की तैयारियां अच्छी चल रही होंगी और आपके परिवार की सेहत भी अच्छी हो, इसकी मैं और मेरी पूरी जो टीम है वो कामना करती है। तो दोस्तों शुरू करेंगे आज का सेशन। पहले दो हिस्से हम कर चुके हैं दोस्तों, तो आज जो है तीसरा हिस्सा होगा और यहाँ पर पार्ट वन पार्ट टू। आज जो विद्यार्थी जो मैं दोस्तों ये शेयर करूंगा आपके साथ पीडीएफ जिससे मैं पढ़ा रहा हूं, तो उन बच्चों को ये फायदा होगा कि अगर आपने पहले दो सेशंस भी अटेंड नहीं किए तो आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है, तो आपको तीनों पार्ट्स के जो करंट अफेयर है इकट्ठे आपको मिल जाएंगे। तो तीसरा जो पार्ट है आज हम शुरू करेंगे दोस्तों, और तीसरा पार्ट कहां पर है जी, थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और तीसरा जो पार्ट है यहां से दोस्तों इसकी शुरुआत है हो रही है। हाँ जी, तो पार्ट थ्री फरवरी, तो फरवरी के करंट अफेयर्स। तो साथ ही साथ जो बच्चे आ चुके हैं, अनु ठाकुर, साहिल और भाई गुड मॉर्निंग, और नेहा जी गुड मॉर्निंग, कविता ददवाल, बोधराज, तो सेशन को चाहूंगा कि शुरू करने से पहले एक बार शेयर जरूर कर दें सभी साथियों के साथ। अगले एक घंटे के लिए आप इसे अपने व्हाट्सएप का स्टेटस भी लगा सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि और भी बच्चे जुड़ें और भी बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर हैं दोस्तों आगे बढ़ सकें। तो शुरू करेंगे आज का सेशन दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, तो सबसे पहला प्रश्न है अक्साइमरो कास्ट्रा दोस्तों, ये अपने होंडुरस की पहली फीमेल जो है प्रेसिडेंट बनी है दोस्तों। ये जो होंडुरस नाम का कंट्री है, यहां पर पूछा गया है कि कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका या यूरोप। हां जी, तो भाई यहां पे इसका उत्तर दें, लेकिन साथ ही साथ अगर हम देखें दोस्तों फर्स्ट फीमेल वाला ये जो प्रश्न है बड़ा महत्वपूर्ण है और बहुत बार एग्जाम में आता है, तो भारत के संदर्भ में भी अगर हम देखें, सबसे पहले तो मैं आपसे भाई 2027 में जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वहां पर पहली बार है कि कोई चीफ जस्टिस है महिला बनने वाली है, तो उनका जो नाम है याद रखिए, उनका नाम है बीवी नगरत्ना। हाँ जी दोस्तों, बीवी नगरत्ना उनका नाम है और 2027 में वो चीफ जस्टिस बनेंगी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री की, मुझे लगता है सभी विद्यार्थियों को पता होगा इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, पहली जो प्रेसिडेंट बनी प्रतिभा पाटिल और दूसरी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। फिर अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री पहली बनी दोस्तों सुचेता कृपलानी। फिर पहली जो गवर्नर है वो बनी सरोजनी नायडू। पहली आईपीएस ऑफिसर जो है वो किरण बेदी। तो ये जो नाम, फिर इसके अलावा पहली एक आपसे भी पूछना चाहूंगा महिला जिसने जो माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। अगर आप हर रोज करंट अफेयर लगा रहे हैं तो कुछ दिन पहले भी मैंने उनका जिक्र किया था, तो वो भी साथ साथ जरूर बताएं। और बात करें अगर होंडुरस की दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिका का ये जो है कंट्री है। यहां पर बोधराज के अलावा बाकी सभी विद्यार्थियों का उत्तर बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों अक्साइमरो कास्ट्रा अब ये महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं पर भी महिला कोई राष्ट्रपति बनती है, महिला प्रधानमंत्री बनती है, तो ये हमेशा ही महत्वपूर्ण है। इनके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो है लेडीज के अगर मैं नाम लूं दोस्तों, खास तौर पे अभी तो फिलहाल एक ही हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री की बात करूं तो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री के अलावा और कोई भी महिला मुख्यमंत्री मेरे माइंड में तो नहीं आ रही है अभी कोई है। और दूसरा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट महिलाओं की बात करूं तो गीता गोपीनाथ जो IMF में फिलहाल जो है दोस्तों डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर जो है जा चुकी हैं। और गीता गोपीनाथ के अलावा कमला हैरिस जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट हैं। फिर उसके अलावा अगर आपको भी जल्दी से कोई याद आ रहा है तो वो भी आप जरूर बता सकते हैं। हो ये भी सकता है कि भविष्य में अभी विधानसभा के इलेक्शन दोस्तों आने वाले हैं हिमाचल में भी, और ये भी हो सकता है कि हिमाचल की भी आने वाली मुख्यमंत्री अगर सत्ता पलटती है तो काफी संभावनाएं हैं कि वो भी महिला बन सकती है। तो शायद आप समझ चुके होंगे मेरा इशारा कहां पर जा रहा है। तो वेरी गुड, भूचेंद्री पाल जो है माउंट एवरेस्ट की तरफ है दोस्तों वो गई थी, जो है फतेह की थी, पहली जो है महिला थी, बहुत बढ़िया। साहिल चौधरी, नगेंद्र बैंस, विजय कुमार आ चुके हैं जी, आपको भी गुड मॉर्निंग। आज का जो दूसरा प्रश्न है वो है आप बताएं दोस्तों पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री किनको चुना गया था। इस तरह के प्रश्न हालांकि संभावनाएं कम है दोस्तों आपको आएंगे, लेकिन फिर भी पता जरूर हो हमें, इनका नाम है अंटोनिया कोस्टा, तो पुर्तगाल के प्रधानमंत्री। इसके अलावा जैसे कि मैं आपको काफी बार करवा चुका हूं दोस्तों,
जो है, अगर मैं पिछले अगर आप मान लीजिए अक्टूबर में आपका एग्जाम है, कल भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम होगा सिविल सेक्रेटरीट का, तो अगर मैं कुछ महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स की बात करूं तो भाई कम से कम दोस्तों फरवरी के महीने में जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुआ था, और उन इलेक्शन के अलावा अगर मैं बात करूं त्रिपुरा, क्योंकि वहां पर भी सरकार बदली, मतलब मुख्यमंत्री बदला गया था, तो ये सारे के सारे मुख्यमंत्री जो काफी बार हम कर चुके हैं, ये महत्वपूर्ण है। फिर अगर मैं बात करूं हमारे हिमाचल का कैबिनेट है, आपको जरूर पता हो। दूसरा दोस्तों हमारा जो यूनियन कैबिनेट है, ये आपको जरूर पता हो। तो कम से कम ये जो है 3 तरह की जो इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जरूर पता हो। और अगर कोई भारतीय ओरिजिन का व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, जैसे कि अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र किया, जैसे कि कल ही हमने बात की थी दोस्तों कि अमेरिका ने जो है हमारे एक इंडियन ओरिजिन, उनका नाम मेरे ध्यान नहीं आ रहा, अगर आपने कल शाम का करंट अफेयर लगाया हो तो भाई उनको भी किसी देश में है अपना जो इन्वॉय है दोस्तों वो घोषित किया है, ठीक है। हम एफ की बात करें, हम गूगल की बात करें, हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो भारतीय मूल के ये जो लोग हैं जो अंतर्राष्ट्रीय जो है दोस्तों ख्याति जो है उन्हें किसी ना किसी वजह से पाई है, वो हमेशा महत्वपूर्ण है, और उनकी अपॉइंटमेंट है एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है जी। फिर उसके बाद जो है गुड मॉर्निंग, हाँ जी साहिल चौधरी बोल रहे हैं कि सर ओनली अनुराग जी, हाँ जी बिल्कुल जो है भाई दोनों पार्टीज जो है, दो ही मेन मुख्य पार्टीज हैं, वो हैं संघर्ष कर रही हैं, और हम उम्मीद करेंगे जो भी पार्टी इलेक्शन जीते लोगों के जो है भलाई के लिए काम कर सके, और ब्लेसिंग्स बनाए रखना अपनी सर, आई आई एम रेडी फॉर टुमारो। हाँ जी साहिल चौधरी, आपके साथ आपके माता पिता की ब्लेसिंग्स होनी बहुत जरूरी है, उनका आशीर्वाद लेकर जरूर जाएं, ये मैं आपसे जो है उम्मीद करूंगा, और यह मैं आपको जो एक तरह से दोस्तों सजेस्ट करूंगा। तो पूनम चौधरी, शीतल जो है दत्वालिया, गुड मॉर्निंग। फिर तीसरा प्रश्न, इंडिया दैट इज भारत कॉलोनियल सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो किताब है किसने लिखी है? तो किरण बेदी, नरेंद्र मोदी, संबित पत्रा या जे साई दीपक। भाई ये जो कुछ नई किताबें हैं दोस्तों जो कि पिछले 6-8 महीने में आई हैं, तो वो तो हमारे लिए हमेशा महत्वपूर्ण रहती ही रहती हैं। इनके अलावा अगर मैं स्टैटिक की बात करूं, कुछ खास तौर पे कुछ ऐसी किताब, कुछ ऐसे नॉवल्स, कुछ ऑटोबायोग्राफीज एग्जाम में आने की चांसेस हमेशा रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर बोलना चाहूँ भाई, सचिन तेंदुलकर का ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, कपिल देव का ऑटोबायोग्राफी, युवराज सिंह का ऑटोबायोग्राफी, नेल्सन मंडेला का ऑटोबायोग्राफी, फिर मलाला यूसुफजई का ऑटोबायोग्राफी, हिटलर का ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, फिर महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी। अब आप कहेंगे सर आप लिख तो रहे हो, बता भी दो, ठीक है भाई इतना तो आप जरूर पता करो, लेकिन चलो मैं बता भी देता हूँ, गांधी जी की जो है ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ दोस्तों, हिटलर दोस्तों हिटलर का नाम अभी मुझे वो जर्मन नाम था मेरे याद नहीं आ रहा, किसी बच्चे को याद है तो शेयर कर दीजिए, मलाला यूसुफजई, हाँ जी आई एम मलाला। फिर दोस्तों नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, युवराज सिंह, युवराज सिंह था दोस्तों ये भी अभी माइंड में नहीं है, लास्ट कुछ इस तरह से नाम था उसका, हाँ जी कविता ददवाल ने बता दिया है इनका, हिटलर का मेन काम्फ, हाँ जी वेरी गुड मेन काम्फ जो है। फिर उसके बाद जो है कपिल देव, स्ट्रेट टू हर्ट, सचिन तेंदुलकर जो है दोस्तों जो है लॉन्ग, हाँ जी इनके ऊपर वो एक इवन दोस्तों सीरीज भी बनी थी, वेब सीरीज टाइप, ठीक है, तो वो भी अगर आपको याद हो तो, हाँ जी प्लेइंग इट माई, प्रियंका ने बताया बहुत बहुत धन्यवाद, प्लेइंग इट माई वे, हाँ जी ठीक है, युवराज सिंह का रह गया अगर किसी बच्चे को याद है तो जरूर, हाँ जी वेरी गुड रश्मि, टेस्ट ऑफ माई लाइफ, हाँ जी टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो मतलब और भी कई सारी ऑटोबायोग्राफीज हैं, जैसे सुनील गवास्कर है, ठीक है, आप उनको रीड आउट जरूर कर लें कम से कम, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर मैं बात करूं कुछ जो बुक्स, जैसे कि कुछ नॉवेल्स हैं, जैसे कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस दोस्तों ये किरण देसाई ने लिखी है, फिर मैं जिक्र कर सकता हूँ इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के बाद दोस्तों लिटिल बॉय, ये विक्रम सेठ ने लिखी है, इसके ऊपर तो नेटफ्लिक्स ने अपने यहाँ पर एक वेब सीरीज भी बनाई थी, फिर प्रियंका चोपड़ा ने उसमें जो है रोल प्ले किया था, ठीक है, तो फिर जो है अरुंधति रॉय की थी द इनहेरिटेंस, द गॉड ऑफ इनहेरिटेंस, द गॉड ऑफ इनहेरिटेंस थी आई थिंक, ठीक है, फिर वाइट टाइगर अरविंद अडिगा, आई थिंक कविता ने लिख भी दिया है, बहुत ही बढ़िया। तो ये जो कुछ किताबें बताई हैं महत्वपूर्ण हैं, और इनके अलावा जो है ये कुछ जो नई किताब आ रही है मार्केट में दोस्तों, बड़े मशहूर जो है व्यक्ति हैं, जर्नलिस्ट हैं, जे साई दीपक, इन्होंने लिखी थी दैट इज भारत कॉलोनियल सिविलाइजेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हाँ जी देवाशीष जी जो है गुड मॉर्निंग,
और वी आर डिस्प्लेस्ड ऑल्सो बुक ऑफ मलाया यूसुफ। हाँ जी, तो भाई मुस्कान गुप्ता, हाँ जी, तो ये जो अब तो पाकिस्तान को भी छोड़ चुकी हैं, और वैसे पाकिस्तान की और इनके जो फादर हैं वो एजुकेशनिस्ट जो हैं, रिफॉर्मिस्ट हैं वो रहे हैं। फिर लता मंगेशकर जी की जो है मृत्यु हुई थी दोस्तों इसी साल, और उनको भारत रत्न किस वर्ष में मिला था, तो 90s में, 95, 2001 और 2007। साथ ही साथ यूपी गवर्नमेंट ने दोस्तों अपने यहां पर एक शहर, एक चौक का नाम, एक शहर में लता मंगेशकर चौक जो है वो घोषित किया था। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कौन से शहर में जो है इनके नाम से एक चौक को जो है उनका नाम तब्दील किया गया था। और जहां तक अगर हम भारत रत्न की बात करें, बहुत ही बढ़िया, तो भाई जो है सुरों की देवी कहा जाता था इन्हें, और यहाँ पर जो है देवाशीष बोलने सर झांसी में, और भाई बाकी भी बच्चे साथ साथ जरूर बताएं। और दोस्तों साथ ही साथ जो है लता मंगेशकर की बात करें, भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो इन्हें 2001 में मिला। इसका थोड़ा सा स्टैटिक वाला हिस्सा भी बता दूं, भारत रत्न की अगर मैं बात करूं और पद्म अवार्ड्स की बात करूं, 1954 में है इनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, और 1954 से लेकर सिर्फ अगर मैं बात करूं 78, 79 और 80, तीन वर्ष इन अवार्ड्स के ऊपर, भारत रत्न और पद्म अवार्ड्स, तो भाई इनके ऊपर बैन लगा, लेकिन इन तीन वर्षों को छोड़ के लगातार हर वर्ष दिए जाते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो पद्म अवार्ड्स की घोषणा कब की जाती है? कई बार मैंने देखा है पेपर में, एग्जाम में आ जाया करता है। और भाई जो है उत्तर दोस्तों झांसी, बहुत बढ़िया, और फर्स्ट लता मंगेशकर अवार्ड गिवन टू, हाँ जी, तो भाई लता मंगेशकर जो अवार्ड है वो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। बहुत ही अच्छी जानकारी मुस्कान गुप्ता जी ने दी है। तो यहां पर बच्चों से मैं पूछ रहा हूं कि भाई ये जो पद्म अवार्ड्स हैं उनकी घोषणा कब की जाती है? अक्सर एग्जाम में आ जाया करते हैं। नागेंद्र बेंस, थोड़ा सा आप जो है पीछे छूट गए, आप कहिए कि पूर्व सायं, मतलब 25 जनवरी की आमतौर पे जो है इवनिंग को जो है ये अवार्ड्स हैं अनाउंस किए जाते हैं दोस्तों, और इनको जो भी इसके विनर्स हैं उनकी सहूलियत के हिसाब से जब भी उन्हें वक्त है तो उस वक्त है इनको राष्ट्रपति हाउस में बुला के ये अवार्ड्स दे दिए जाते हैं, और रिपब्लिक डे के ऊपर भी आप बोल सकते हो, ऐसा हम बोल सकते हैं जी। और भारत रत्न अवार्ड गिवन टू टू नॉन इंडियंस, बहुत ही बढ़िया। लेकिन मुस्कान गुप्ता, आपको ऑप्शन में जो आपने लिखा है नेल्सन मंडेला और अब्दुल गफार खान, बहुत बढ़िया लिखा है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम मदर टेरेसा को भी जो है नॉन इंडियन माने जो है, तो भाई उनका नाम भी हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो इसका मतलब उनके समेत तीन लोगों को ये अवार्ड है आज तक है मिल चुका है जी। फिर उसके बाद हम चलेंगे दोस्तों हमारे अगले प्रश्न पे, और अगला जो क्वेश्चन है वो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। सबसे पहले तो आप ये बताएं ये है कहां पर भाई, उसके डायरेक्टर नए कौन चुने गए हैं, रवि मित्तल, जीएवी रेड्डी, उन्नीकृष्णन अय्यर या सोनाली सिंह? हाँ जी, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है, ठीक है। फिर आप मुझे बताएंगे दोस्तों जो है भारत में स्पेस सिटी किसे कहा जाता है, हाँ जी, और बहुत ही बढ़िया, हाँ जी बहुत ही बढ़िया। फिर भाई आप मुझे यहां पर जो बच्चे उत्तर दे रहे हैं, सोनाली सिंह, ठीक है, हाँ जी, तो भाई बहुत बढ़िया, हाँ जी, कहां पर है ये, ठीक है। देवाशीष, बहुत बढ़िया, एपी लिख रहे हो आप, ठीक है, आंध्र प्रदेश लिख रहे हो, और आंध्र प्रदेश में कहां पर, हाँ जी, मुझे लगता है आसान प्रश्न है, श्रीहरिकोटा में, तो श्रीहरिकोटा में जहां से दोस्तों सैटेलाइट जो है वो छोड़े जाते हैं, उनका एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो वहां जो स्टेशन है उसको हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है बोलते हैं, और उसके डायरेक्टर के तौर पे उन्नीकृष्णन अय्यर को चुना गया है। तो साथ ही साथ इसरो जो है उसका हेडक्वार्टर हमने बात की बेंगलोर में है, जिस वजह से इसे हम जो है बोलते हैं स्पेस सिटी। जैसे भारत की एजेंसी इसरो है, वैसी अमेरिका की दोस्तों जो स्पेस एजेंसी है उसका नाम नासा है। फिर हम बात करें यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है, यूरोपियन यूनियन की जो है स्पेस एजेंसी है, ठीक है, फिर चाइना की CNX है, चाइना जापान की जैक्सा है, ठीक है, इन सारी एजेंसीज के नाम, रशिया की रोस्को है, वो आपको जरूर है उनका आइडिया होना चाहिए, और बहुत बढ़िया, मुस्कान गुप्ता उत्तर दे रही है। फिर अगला प्रश्न जो है वो है अटल बिहारी वाजपेयी, ये किताब जो है किन्होंने ये लिखी है रिसेंटली दोस्तों। खास तौर पे कोई भी किताब दो वजहों से मशहूर है, या तो वो किताब कोई भी किसी तरह का नया जो कोई करेक्टर दोस्तों, कोई नई जानकारी या कोई कंट्रोवर्सी लेकर आए, तब एग्जाम में आने के उसके चांसेस हमेशा रहते हैं। दूसरा मैंने देखा है कि अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, कोई इंपॉर्टेंट जो व्यक्ति है उसको अगर लिख रहा है,
तो वो तब भी इंपॉर्टेंट हो जाया करती है। तो भाई ये दोस्तों किताब है वो लिखी है सगारिका घोष, बहुत ही जानी मानी पत्रकार जो है दोस्तों, जो है पत्रकार है जर्नलिस्ट, उन्होंने जो है किताब लिखी है अटल बिहारी वाजपेयी ही जो इसका नाम है जी। और अटल बिहारी वाजपेयी, मैं उम्मीद करूंगा बच्चों से जल्दी से उनके बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो जल्दी से शेयर कर दें, और अगर आपको शायद ना पता हो तो जल्दी से मैं भी बता देता हूं दोस्तों। भारत के वो प्रधानमंत्री जो 3 बार प्रधानमंत्री अपॉइंट हुए हैं, तो उनमें से अटल बिहारी वाजपेयी एक हैं, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, और तीसरे हैं अटल बिहारी वाजपेयी। चाहे ये 13 दिन के लिए ही बने हों, लेकिन बने जरूर, फिर 13 महीने और फिर 5 साल। फिर दूसरा अगर मैं प्रश्न देखूं तो भाई अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, जब इनकी मृत्यु हुई तो छत्तीसगढ़ में जो वहां की राजधानी है रायपुर दोस्तों, उसका नाम भी बदलकर अटल नगर है रख दिया गया था। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूं, इनका जो जन्म दिवस होता है 25 दिसंबर, उसे हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। और इनका एक स्टैच्यू दोस्तों जो है रिसेंटली ही, लास्ट ईयर की बात करूं 2021 की, हमारे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने मनाली में है दोस्तों जो है उसकी जो है उसका उसको अनवेल किया था। और क्योंकि मनाली भी जो है अटल बिहारी वाजपेयी का फेवरेट शहरों में से एक था, और यहाँ पर अक्सर वो अपनी छुट्टियां मनाने आया करते थे। हाँ जी, हाँ जी। और सर जी बीजेपी पार्टी से थे, बहुत बड़ी बात बता दी साहिल चौधरी ने। और इसके अलावा अटल टनल जो है वो हिमाचल प्रदेश में ही वो स्थित है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमेन हाउ द US अमेंडेड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर। ये जो किताब है इनमें से किसने लिखी है, मैं रिपीट करता हूं नाम, ह्यूमेन हाउ द US अमेंडेड पीस एंड री इन्वेंटेड वॉर जो है, तो भाई ये अंतरराष्ट्रीय है दोस्तों। खासतौर पर US ने अफगानिस्तान या कई सारे अरब कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में ये जो वॉर शुरू की, और इस वजह से बहुत बड़े स्तर पे डिस्ट्रक्शन हुआ, इसके ऊपर ये किताब लिखी है सैमुअल मोयन ने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों अमेरिकन वॉर इंडस्ट्री पर है, तो इस वजह से थोड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विद रिस्पेक्ट टू शकुंतला चौधरी, जिनकी मृत्यु हुई थी। ये जो शकुंतला चौधरी है ये इंडियन सोशल वर्कर थी और मेंबर थी कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट की, और दोस्तों वो विनोदा भावे जी के जो है काफी साथ रही, और भूदान मूवमेंट में जो है जहां पर जमीनों को डोनेट करने की दोस्तों बात कही गई थी, तो उसमें उन्होंने जो है विनोदा भावे के साथ कंधे से कंधा मिला के जो है वो काम किया। तो यहां पर उत्तर दोनों बिल्कुल सही है, बिल्कुल दुरुस्त है। क्या आप में से कोई व्यक्ति बता सकते हैं कि शकुंतला चौधरी जिनका हम जिक्र कर रहे हैं भारत के कौन से राज्य से थी? अब क्योंकि दोस्तों ये राज्य आजकल तो फिर भी हम जो है डिजिटल इंडिया में जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया में जीने का मतलब है तो दोस्तों आजकल आवाज या लैंग्वेज इतने बैरियर नहीं रहे हैं, क्योंकि जो है अब कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो चुका है दोस्तों टेक्नोलॉजी की वजह से। लेकिन किसी समय में जहां पर दोस्तों असम जैसे जो है नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट में जहां पर जो है ज्यादातर हिंदी भाषी नहीं थे, और हिंदी लीडर्स के साथ मिलकर वहां पर कोई मूवमेंट चलाना अपने आप में कोई बहुत बड़ी बात थी, तो असम से थी और बहुत बड़ी सोशल है, रिफॉर्मर है, हुआ करती थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है खादी प्राकृत पेंट, ये एक इको फ्रेंडली पेंट है और कॉस्ट इफेक्टिव पेंट भी है, जिसको कि रिसेंटली KVIC ने जो है डेवलप किया है दोस्तों। राइस हस्क जो इसमें मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस प्राकृतिक पेंट को बनाने में इसका सबसे बड़ा रोल है। तो इसमें से बताएं पहला ठीक, दूसरा ठीक, दोनों ठीक या दोनों गलत? हाँ जी बच्चे जो बता रहे हैं कि सर दोनों ठीक है, अनु ठाकुर ने बताया सिर्फ ए ठीक है, तो भाई अनु ठाकुर आपका आंसर गलत ठीक है, बाकी बच्चों का गलत उत्तर है। अब क्यों राइस हस्क नहीं है, तो दोस्तों इस खादी प्राकृतिक जो जो पेंट में सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, तो इसका नाम से भी पता लग रहा है दोस्तों, खादी का जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके द्वारा ये डेवलप किया गया है। और इसमें खास तौर पे जो काऊ का जो डंग है दोस्तों, गाय का जो गोबर है, उसका यूज किया गया है। कॉन्स्टिट्यूएंट यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्राकृतिक पेंट 100 kg जो काऊ डंग से दोस्तों लगभग 500 लीटर जो है पेंट है ये बनाया जा सकता है। और दोस्तों इसकी शुरुआत, इस इनिशिएटिव की शुरुआत जो हमारी MSME मिनिस्ट्री है उसके द्वारा की गई, उसके द्वारा दोस्तों उसके अंडर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, तो भाई इसने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की थी ताकि दोस्तों ये कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। और दूसरा भाई ये जो गाय धन, आपको याद होगा गवर्नमेंट ने पशुधन का जो है जिक्र किया था, पशुधन से जो है किस तरह से पैरेलल इनकम है जनरेट की जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि जो किसानों की इनकम अगर जनरेट करनी है, डबल करनी है, ज्यादा करनी है, तो उसमें भाई ये बहुत जरूरी है
कि जो आपका एग्रीकल्चर है खास तौर पे जो फसलों को लेकर उसके पैरेलल जो पशुधन से जुड़ा डेयरी डेवलपमेंट से जुड़े प्रोग्राम है, मत्स्य योजना से जुड़े प्रोग्राम है, उनको डेवलप करना पड़ेगा। जब तक किसान पैरेलली वो काम नहीं करेगा तो उसकी इनकम जो है वो बनने के चांसेस हैं वो कम हैं। ठीक, तो यहां पर मैंने तीन इंपॉर्टेंट बात कही है, डेयरी डेवलपमेंट, दूसरा बात की है दोस्तों हमने मत्स्य योजना, और तीसरी जो बात की है हमने जो है आप वैसे इसको जोड़ सकते हो कि अब बहुत सारे ऐसे यूज होने लग गए दोस्तों गाय के गोबर या और जो है डंग्स के, कि जिससे जो है भाई आप एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हो दोस्तों, जो है आप अब पेंट्स भी कर रहे हो, और भी भविष्य में बहुत सारी जड़ी बूटियां मेडिसिन को भी जो है बनाया जा रहा है। तो इससे ही जो है जो रूरल इकोनॉमी है उसका जो डेवलपमेंट है वो भविष्य में हो सकता है। फिर हाँ जी प्रधानमंत्री, हाँ सर जी बहुत बुरा हाल है काऊ का। हाँ जी ये तो है, मुझे लगता है सिर्फ काऊ का नहीं साहिल चौधरी, सभी का ही बुरा हाल है फिलहाल। तो मैं तो LSD की वजह से कह रहा हूँ, ठीक है, LSD फुल फॉर्म भी बताएं बच्चे, मैं तो उम्मीद करूंगा। तो भाई ये LSD जो बीमारी है, ठीक है, जिसकी वजह से हम जब भी मैं तो देखता हूँ जो है किसी जानवर को, आजकल स्पोर्ट्स पड़े होते हैं, छोटे छोटे दाने पड़े होते हैं जिनकी वजह से उनकी मृत्यु भी बड़े स्तर पर वो हो जा रही है, लंपी स्किन डिसीज। तो क्या विद्यार्थी मुझे बता सकते हैं, 3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि लंपी स्किन डिसीज का भारत ने इंडिजीनियस एक वैक्सीन भी तैयार कर लिया है, उस वैक्सीन का नाम क्या है, क्या विद्यार्थी मुझे बता सकते हैं। और दूसरा प्रश्न जो है कि 2025 तक, उस दिन आपको बताया था कि भारत में हर पशुओं का, हर तरह के जानवर का बायोमेट्रिक हो जाएगा, तो ये जो बायोमेट्रिक करना है पशुओं का उसको किस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों वो इनिशिएटिव है वो शुरू करना है, वो भी साथ साथ है जरूर बताएं। दो प्रश्न पूछे हैं, और आज तक मैंने जब भी क्वेश्चन पूछा है हिमाचल में, भाई मुझे तो बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट मिले हैं। और अगर आपको नहीं भी पता तो भाई जल्दी से आप गूगल करके भी बता सकते हैं, लेकिन बस बताएं जरूर, क्योंकि जब आप उत्तर दे रहे होते हैं तो बाकी क्लास में बैठे हर विद्यार्थी को उसका पता लगता है, और भाई जिससे जो है हर किसी की नॉलेज है उसमें इंप्रूवमेंट है वो आ पाती है। तो जल्दी उत्तर दें। देवाशीष, पूनम, फिर जो है नेक सिंह, राहुल कुमार, नागेंद्र, सपना ठाकुर, साहिल, सिद्धार्थ नेगी, हाँ जी बहुत ही जल्दी जो है आई होप सो उत्तर आएगा, ठीक है। और सर गूगल करूंगा तो वीडियो स्टॉप हो जाएगी, कोई बात नहीं, उत्तर जरूर दें बस इसका। फिर अगला प्रश्न वो है हमारे द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मतलब मैं बात कर रहा हूं IUCN की, उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो भाई IUCN दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एनवायरमेंट से रिलेटेड बड़े डिसीजंस लेते हैं, और यहां पर जो है पहला पॉइंट है IUCN ने जो अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है जो गुड़गांव में है उसको भारत का पहला अदर अफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मियर साइट है दोस्तों वो डिक्लेयर किया है, और IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो नैरोबी कीनिया में है। तो यहां पर करेक्ट बताएं, पहला दूसरा दोनों ठीक या दोनों गलत। तो भाई पशु आधार, बहुत ही बढ़िया, कविता ददवाल उसका नाम था जिसके तहत बायोमेट्रिक होगी हर एक जानवर की, लेकिन किसी ने भी अभी तक वैक्सीनेशन का नाम नहीं बताया, वैक्सीनेशन जो है उसका नाम क्या है। और यहां पर देखें सिर्फ पहला पॉइंट ठीक है, इसको दोस्तों अदर एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मियर डिक्लेयर किया है, और इसका जो हेडक्वार्टर देखें IUCN का वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में जो है दोस्तों वो स्थित है। IUCN का जिक्र करें 1964 में दोस्तों जो है इट एस्टैब्लिश द, मतलब वैसे इसकी शुरुआत IUCN की यहां पर लिख देता हूं 48 में हो चुकी थी दोस्तों, लेकिन 64 में IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीशीज, मतलब इसने दोस्तों ये एक नई लिस्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे पशु, बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिनकी स्पीशीज बहुत कम हो चुकी हैं, और जिस वजह से ये उनको दोस्तों एक उनके डेंजरस साइन देता है, किसी को क्रिटिकल इंडेंजर्ड, किसी को सिर्फ इंडेंजर्ड दोस्तों, और वो जो सिग्नेचर जो स्टेटस देने शुरू किए IUCN ने वो 1964 से शुरू किए हैं। तो जब मैं किसी जानवरों की स्पीशीज की बात कर रहा हूं तो आज का दिन तो बड़ा महत्वपूर्ण है भारत के इतिहास में, क्योंकि 1952 के बाद दोस्तों भारत में चीतों की जो स्पीशीज थी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लक्ष्य था कि वे भारत के जानवरों के जंगलों के लाइफ साइकिल को ढंग से जो है मेंटेन करने के लिए दोबारा से चीतों को भारत में बुलाया जाए। तो भाई आपको याद होगा एक बिल्कुल जो है ऐसा ही जहाज चीते की शक्ल वाला, मतलब शक्ल बनाई गई उसमें, तो भाई वो नामीबिया से आज जो है चीताज को दोस्तों लेकर आ रहा है, और कूनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में उनको छोड़ा जाएगा, और ये जो नेशनल पार्क है दोस्तों मध्य प्रदेश में है। और आज ही के दिन क्यों खास, क्योंकि आज जो है नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है, तो भाई उनका बर्थडे है,
आज मुझे लगता है उनकी जो उम्र है दोस्तों, आई थिंक 1949 में उनका जन्म हुआ था, तो उनकी उम्र 73 वर्ष जो है मुझे लगता है हो चुकी है। 73, हाँ जी बिल्कुल 73 वर्ष उनकी उम्र हो चुकी है। और अपने जन्मदिन के मौके पर ये जो है चीतों को दोस्तों, जिनमें 5 जो हैं वो फीमेल्स होंगी, तो उनको छोड़ दिया जाएगा कुनू नेशनल पार्क में। कविता ददवाल 72 लिख रहे हैं, हाँ जी 72 या 73 मुझे लगता है, शायद 49 में जन्म हुआ था। और B-747 जंबो जेट में जो है इनको लाया जाएगा। इस पार्क की घास लंबी है इसलिए इस पार्क का चयन किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट चीता इसका नाम है वो रखा गया है। बहुत ही बढ़िया, हाँ जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये एक और जो है जानवर के से जुड़ा है, ढोल्स, ठीक है। पता नहीं इसकी तस्वीर, हाँ जी ये तस्वीरें हैं इसकी, ठीक है कुछ आप तस्वीरें देख सकते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है कि इनको एशिया वाइल्ड डॉग्स भी कहा जाता है, और आमतौर पर ये सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया में ये पाए जाते हैं एंड साउथ ईस्ट एशिया में। और भाई इनको IUCN ने अपनी क्रिटिकल इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है रखा हुआ है। तो यहां पर इनका उत्तर देखें, सिर्फ पहला ठीक, क्योंकि इनकी जो दोस्तों स्टेटस है वो जो स्टेटस है वो है दैट इज इंडेंजर्ड कैटेगरी। यहां पर लिखा हुआ है क्रिटिकल इंडेंजर्ड, लेकिन ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो इंक्लूडेड है IUCN की। और इन स्पीशीज को दोस्तों भारत में भी शेड्यूल 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड अंडर अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन ऑन IT के तहत जो है भारत में भी जो है इनको प्रोटेक्ट है किया जाता है। अब यहां पर जो है हम जो बात कर रहे हैं ढोल्स मतलब एक जानवर का नाम है दोस्तों, और खास तौर पे जब मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल एशिया की, ठीक है वैसे तो ये सेंट्रल एशिया के साथ साथ लिखा है साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। तो जब सेंट्रल एशिया की बात हो रही है तो ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है उज्बेकिस्तान की, किर्गिस्तान की दोस्तों, जो उज्बेकिस्तान की, ठीक है ये जो 4 नेशंस हैं। और इनका जिक्र स्पेशली इस वजह से मैं कर रहा हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी दोस्तों आज वहां से आ जाएंगे, और हो सकता है कल रात ही आ गए हों। और वहां गए क्यों थे, क्योंकि दोस्तों वहां पर उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद, जहां पर SCO की समिट में वो हिस्सा लेने के लिए जो है गए हुए थे। और वहां पर जो है वो रशिया के प्रेसिडेंट, चाइना के प्रेसिडेंट, सभी के साथ जो है उनकी जो मीटिंग्स हैं वो हुई हैं, जिसके साथ जो है भविष्य में इन देशों के साथ हमारे ट्रेड रिलेशन और बेटर बात करने की बातें कही गई है जी। और अगली जो समिट है ये भी याद रखें, इस साल उज्बेकिस्तान में है दोस्तों 2023 में। बहुत महत्वपूर्ण है कि दो ये इंपॉर्टेंट समिट, इसमें G20 का जिक्र करूं और दूसरा SCO का समिट करूं, ये भारत में होने वाली हैं। और सितंबर के महीने में आपको याद होगा, छोटी से छोटी जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। कुछ दिन पहले पढ़ा था G20 दोस्तों, इसकी मेजबानी हमें 1 दिसंबर 2022 से मिल जाएगी और पूरे एक वर्ष तक, मतलब 30 नवंबर तक जो है ये मेजबानी हमें मिलेगी। और G20 की लगभग छोटी बड़ी मीटिंग्स मिलाकर 200 मीटिंग्स हैं हम भारत इसमें आयोजित है करने वाला है। इस साल ये इंडोनेशिया में हो रही है, अगले साल ये भारत में इसका आयोजन है किया जाएगा। SCO का जो हेडक्वार्टर बीजिंग में। बहुत ही सारे जो आंसर हैं बच्चे साथ-साथ बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जुड़ा है गोल्डन लंगूर से दोस्तों। ये जो गोल्डन लंगूर है इट इज एंडमिक टू वेस्टर्न असम, इंडिया एंड साउथर्न भूटान। तो मतलब आमतौर पर दोस्तों जो है इसकी ये जो मिलता था ये यहां पर मिलता था, और हालांकि बड़ी कम जो है अब इनकी जो गिनती रह चुकी है क्वांटिटी, और इसको लिस्टेड किया गया था IUCN द्वारा इनडेंजर्ड लिस्ट में। और दे आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ट्रीज एंड ऑल्सो नोन एज लीव मॉकीज, और पेड़ों ना होने के कारण दोस्तों इनकी क्वांटिटी काफी कम हुई है, और इवन पेड़ों पर ज्यादा रहते हैं इस वजह से इन्हें लीव मॉकीज भी कहा जाता है। तो भाई जब मैंने, मेरे याद है फरवरी के महीने में जब मैंने पढ़ाया था, यहाँ पर कई सारे बच्चे थे चंबा से, तो उन्होंने कहा था कि सर इवन कांगड़ा और चंबा में हमने भी इनको जरूर देखा है। तो भाई यहाँ पर देखें तीनों पॉइंट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं। तस्वीर यहाँ पर मैंने शायद नहीं इसमें इंक्लूड कर पाया, और यहाँ पर जो है दोस्तों तीनों पॉइंट्स बिल्कुल दुरुस्त। और नेबर्स ऑफ गोल्डन लंगूर हैबिटेट इन वेस्टर्न असम, असम के बोंगयोन डिस्ट्रिक्ट में जो है अपोज्ड ए मूव बाय स्टेट गवर्नमेंट टू अपग्रेड टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वहां पर इनकी कंजर्वेशन की जा सके, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने वाली थी असम गवर्नमेंट, लेकिन फिलहाल लोग उसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि बड़े स्तर पे उनकी जनसंख्या वहां पर रहती है जी। तो गोल्डन लंगूर, काफी सारे जानवरों का जिक्र किया हमने, इन सभी को जो है एक एक दो दो बार क्लास के बाद भी रीड आउट है जरूर करें। और सर असम ने सेंचुरी बन रही थी, हाँ जी बिल्कुल मानसी, इसका जिक्र हो चुका है। और सुजानपुर
तीरा में भी हैं सर ये, हाँ जी, और राहुल कुमार ने ये बताया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इंटरडिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट एंड पॉलिसी सेंटर नोन एक्वा मैप, इसको कौन एस्टेब्लिश कर रहा है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। दोस्तों मैं रिपीट करता हूं, इंटरडिसिप्लिनरी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी सेंटर, इसका मतलब है आमतौर पर दोस्तों बहुत बार भारत में रिसोर्सेज की कमी कभी भी नहीं, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से रिसोर्सेज को सही से हम यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये एक्वा मैप एक पोर्टल है, ठीक है, एक डिजिटल जो है पोर्टल है, जिससे कि किसी भी शहर में वाटर रिसोर्सेज का सही से मैनेजमेंट, बहुत बार होता है कि शहर के एक कोने में दोस्तों पानी की बहुत बड़े स्तर पे किल्लत होती है और दूसरे में आराम से लोगों को पानी की अवेलेबिलिटी रहती है, तो इस तरह की ना हो, इसकी पूरी ट्रैकिंग की जा सके, इस पूरे सिस्टम को सही से इंप्लीमेंट करके हर व्यक्ति को पानी की अवेलेबिलिटी कराई जा सके। तो ये आईआईटी मद्रास ने दोस्तों इस पोर्टल का, इस नई एप्लीकेशन की जो है शुरुआत की थी, जिसका नाम है एक्वा मैप। वाटर, वाटर की अगर हम बात करें तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें याद रखना है कि इंटरनेशनल वाटर डे 22 मार्च को ऑब्जर्व कहा किया जाता है। तो यहां पर बच्चों को अगर याद हो तो ये जो 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 वाटर डे था, इसका थीम अगर आपको याद हो साथ साथ वो भी आप जरूर शेयर करें, और ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजल, मेरे पूछने से पहले ही साहिल चौधरी ने वो बता दिया है। फिर पानी की बात करें तो एक स्कीम याद आ रही है, जल जीवन मिशन दोस्तों, जिसके तहत भारत में हर गांव में 100% जो है हमें टैप वाटर की कनेक्टिविटी है वो पहुंचानी है, टैप वाटर, ताकि सही शुद्ध पानी मिल सके। और भाई जिससे महिलाओं का, और हमने एक दिन जिक्र भी किया था वाटर वाइव्स का कंसेप्ट, बताइए वो कौन से स्टेट में ये कंसेप्ट है दोस्तों वो पाया जाता है, तो वाटर वाइव्स, तो ये जो वाटर की कनेक्टिविटी हो ताकि महिलाओं को और सारे परिवार का जो जो स्वास्थ्य है वो सही रह सके। और चंबा हिमाचल का दोस्तों भारत का 100वां डिस्ट्रिक्ट बना है, हिमाचल का पहला, जहां पर 100% ये कनेक्टिविटी हर गांव में हो चुकी है जी। और इसका जो मिशन था जल जीवन मिशन का, वो 2025 तक है वो हमें कंप्लीट करना है। और यहां पर जो बच्चों से पूछ रहा था वाटर वाइव्स का ये जो कंसेप्ट, कविता बता रही है कि सर महाराष्ट्र जो है इसमें पाया गया है, तो हिमाचल में जो 2022 तक का टारगेट है, और कविता दद्दवाल मुझे लग रहा है 2025 है हमारा राष्ट्रीय स्तर पे, और हिमाचल में ये 3 वर्ष पहले ही जो है गवर्नमेंट बोल रही है, जयराम ठाकुर जी ने कहा है कि हम 31 दिसंबर 2022 से पहले पहले ही इसे अचीव है वो कर लेंगे। हाँ जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट चीट मकाऊ, हाँ जी इनकी तस्वीर भी नहीं है, ये जो व्हाइट चीट मकाऊ है जो भाई ये हैज बीन रिकॉर्डेड, तो इनको कहां पर जो है रिसेंटली देखा गया है, कहां पर इनकी प्रेजेंस अवेलेबिलिटी पाई गई है? तो यहां पर जो है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, केरला या मेघालय, इसका उत्तर दें, ठीक है। तो व्हाइट चीट जो है ये अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों पाए जाते हैं, अरुणाचल प्रदेश जिसको हम दोस्तों जो है भारत का जो सबसे पहला जो स्टेट है, मतलब जहां पर सूर्य उदय होता है, सबसे पहले सूर्य उदय होता है, तो राइजिंग जो है स्टेट भी इसे हम बोल देते हैं। और फिर उसके बाद जय ठाकुर जी की बातें, हाँ जी ठीक है, साहिल चौधरी बोल रहे हैं। फिर दोस्तों फांसी वोट जो है ये न्यूज में थी, क्यों थी? इस दोस्तों जगन्नाथ मंदिर का जो यात्रा होगी, उसके जो दोस्तों जो चैरियट हैं, उसके जो पहिए हैं वो इस लकड़ी से बनाए जाएंगे, फांसी वुड से, और दोस्तों ये अल्पाइन स्पीसीज हैं जो कि खासतौर पे नेपाल से जो है मंगाई जाएगी। तो दोस्तों आमतौर पे ऐसा कभी नहीं होता कि कोई खास तरह की लकड़ी जो है पहिए बनाने के लिए यात्रा के जो यूज की जाए, लेकिन इस बार ये खास थी। तो ये जगन्नाथ मंदिर है जो दोस्तों पुरी में, मैं बात कर रहा हूँ उड़ीसा की, तो भाई वहां पर इस वुड का यूज किया गया, और हम देखें दोस्तों लेकिन ये जो लकड़ी है जो हम बात करें फांसी वुड, ये फांसी वुड दोस्तों द मोस्ट ऑफ द फांसी वुड केम फ्रॉम द प्राइवेट लैंड रेदर देन फॉरेस्ट अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट। और दोस्तों ये ज्यादातर हम देखें तो फांसी ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन द अलुवियल फ्लड प्लेन्स ऑफ द महानदी। तो भाई भारत में जहां जहां महानदी है उसके आसपास, और अगर भारत के बाहर बार करें बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, वहां पर भी इस लकड़ी की अवेलेबिलिटी मिलती है, ना कि नेपाल में। तो नेपाल का जो उत्तर है बिल्कुल गलत है। और उड़ीसा की बात करें तो ये दोनों महत्वपूर्ण मंदिर, उसमें से एक कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भी महत्वपूर्ण है, हमेशा याद रखें उसका नाम। और दूसरा अगर मैं जिक्र करूं जो है वो जगन्नाथपुरी का मंदिर, जहां पर बड़े स्तर पे यात्रा की जाती है। हालांकि ये खबर तो फरवरी की थी, क्योंकि दोस्तों रथों का जो निर्माण होना शुरू हो जाता है,
आपको याद होगा अभी 4-5 हफ्ते पहले जन्माष्टमी के आसपास जो ये यात्रात्रा भी उससे पहले ही निकाली गई थी। इवन अब तो जो है, क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूँ डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, तो भाई ऐसा नहीं है कि हम कहें कि भाई गणेश विसर्जन जो है, गणेश चतुर्थी सिर्फ महाराष्ट्र में सेलिब्रेट की जाती है, या जो ये जो यात्रा है जगन्नाथ की सिर्फ पुरी में की जाती है। मैं देखता हूँ चंडीगढ़ हो, ठीक है, या शिमला हो, आजकल तो हर कहीं ये फेस्टिवल है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। हो सकता है आपके घर में भी आपने सेलिब्रेट किया हो, चाहे वो गणेश विसर्जन की बात हो, गणेश चतुर्थी की, या फिर कोई और फेस्टिवल की बात हो। फिर वेरी गुड। और सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी वो कहा जाता है, और गंग डायनेस्टी ने जो है दोस्तों इन दोनों मंदिरों का निर्माण है वो लगभग 9वीं या 10वीं शताब्दी के आसपास है करवाया था। हाँ जी, हाँ जी, इस्कॉन इसमें से प्रमुख है। इस्कॉन मंदिरों में जो है ये ज्यादातर ये सारे फेस्टिवल हैं वो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फिर दोस्तों जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, भारत का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट किस स्टेट में जो है वो सेटअप किया गया था? मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब या आंध्र प्रदेश? हाँ जी, बायोमास बेस्ड जो है हाइड्रोजन प्लांट। दोस्तों अब देखो सारी टेक्नोलॉजी जो देश दुनिया वो कोशिश कर रही है कि इको फ्रेंडली हो, तो उसी दिशा में जो है ये बायोमास बेस्ड दोस्तों हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा, और जिसका जो निर्माण है दोस्तों मध्य प्रदेश में वो किया गया है। तो ये जो हाइड्रोजन प्लांट है, ठीक है, और भाई भविष्य में भाई आजकल तो अगर मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट फ्यूल्स की, है ना, तो उसमें से ग्रीन हाइड्रोजन भी एक महत्वपूर्ण फ्यूल है दोस्तों, जिसको कि पानी से जब जो इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है रिन्यूएबल एनर्जी से, तब उसकी प्रोडक्शन है, और उससे भी आजकल कई सारे ट्रांसपोर्टेशन है वो चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट, ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें, बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट की बात करें, ठीक है, और या फिर हम CNG की बात करें, LNG की बात करें, इन सभी के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी जरूर हो, ताकि एग्जाम में एक प्रश्न आए तो हमें जरूर है वो पता लग सके। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, भारत की पहला प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल FMCG कंपनी कौन सी बनी है? तो यहाँ पर FMCG का मतलब है दोस्तों जो कि खाने पीने का जो फूड जो प्रोसेस्ड जो सामान है वो बना रही है, तो पतंजलि, डाबर, गोदरेज, एयरलाइंस। मैं साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा इसका जो उत्तर है दोस्तों, ठीक है, उस वो एक और प्रश्न का भी उत्तर है कि भारत की पहली दोस्तों वो कौन सी कंपनी है आयुर्वेदक जो प्रोडक्ट भी बनाती है और वो पूरी तरह से जो है अब कार्बन न्यूट्रल हो चुकी है, तो इसका जो उत्तर है दैट इज द डाबर। यहाँ पर मैं सभी विद्यार्थियों को बता दूं, ये इसका जिक्र बहुत बार हम करते हैं, जैसे कि हमने जो है पल्ली गांव की बात की थी, जम्मू में है, उसको भी भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल विलेज घोषित किया गया था, और कई सारी और कंपनी जैसे SBI, रेलवे, ठीक है, मुंबई, अपने टारगेट्स रखे हुए हैं सभी ने। तो वैसे हमने जो बात की है कि भाई कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि भाई आपको जो है कार्बन डाइऑक्साइड का अमीशन नहीं कर रहे दोस्तों, उसका मतलब है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड का जितना अमीशन हो रहा है, जितना आप एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं, उतनी ही मात्रा के आपने प्लांट्स हैं दोस्तों, पेड़ पौधे वो लगा दिए, जिससे भाई उनकी कंजप्शन हो ही जा रही है, और वातावरण को जो है वो जो पर्यावरण को किसी भी तरह का नुकसान है वो नहीं हो रहा है। तो जैसे रेलवे का 2030 का टारगेट है, हम मुंबई की बात करें 2046 का टारगेट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें 2070 का टारगेट है। तो ये सारे के सारे टारगेट्स, भारत की 2070 टारगेट, कुछ डेवलप्ड नेशंस ने जो टारगेट है 2060 का भी रखा हुआ है। और डाबर का ओनर वाज अमंग हुज नेम वाज डिस्क्लोज्ड फॉर ब्लैक मनी इन स्विस अकाउंट। हाँ जी, ठीक है, पल्ली फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल मिशन इज इक्वल टू अब्सॉर्प्शन। हाँ जी, ये बिल्कुल सही लिखा डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर जितेंद्र जी, और चाइना का 2060 का है, यूके का 2060 का है, बहुत ही बढ़िया। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, भाई ये नीति आयोग ने होस्ट की है, और इसका थीम है टुवर्ड्स ए रीस आइलैंड प्लैनेट इनसर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर। तो भाई इसमें करेक्ट बताने, ठीक है, कि ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो समिट है किसने होस्ट की हुई है? तो यहाँ पर सी उत्तर नहीं है अभिषेक धम जी, ठीक है, और इसका उत्तर बी है, सिर्फ दूसरा दोस्तों ठीक है, क्योंकि ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोस्तों जो टेरी द्वारा जो है आयोजित की गई थी, और वर्चुअल तौर पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इसमें जो है वो जुड़े थे। फिर अगला प्रश्न फिर जो है एक जानवर से जुड़ा है दोस्तों, बेंट टॉयड गीको, भाई ये जो नाम है नेम्ड आफ्टर द इंडियन आर्मी, और वाज डिस्कवर्ड इन विच स्टेट? तो भाई ये एक दोस्तों जो है बेंटॉयड गीको जो है एक अब पता नहीं इंग्लिश में लिजार्ड है, हाँ जी एक लिजार्ड है दोस्तों, और ये जो नाम है इस लिजार्ड का इंडियन आर्मी की एक जो है टुकड़ी के ऊपर पड़ा है,
कौन से स्टेट में रिसेंटली से पाया गया था? मिजोरम, मेघालय, मणिपुर या असम? ठीक है, और बिल्कुल छिपकली टाइप, जैसे आपने बता ही दिया अभिषेक जी। और देवाशीष जी, आप तो बड़े पहले से जुड़े हुए हैं, आप स्किप ना किया करें, तो का जरूर लगाया करें। इसका जो सही उत्तर है, दैट इज मेघालय। तो मेघालय इज द करेक्ट उत्तर दोस्तों। और लिजार्ड हम इसे बोल देते हैं, और छिपकली हम इसे हिंदी में बोल देते हैं। फिर उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है, इनमें से दोस्तों पहला भारतीय कौन है जिसने, पहली भारतीय कंपनी ने यूनिकॉर्न का स्टेटस हासिल किया है? तो अब तो ये प्रश्न काफी पुराना हो चुका है, ठीक है। और यूनिकॉर्न का मतलब $1 बिलियन। आपको याद होगा बड़ी सारी कंपनीज, अगर और भी याद हो कौन कौन सी रिसेंटली जो हमारी यूनिकॉर्न बनी है, उन कंपनीज का नाम जरूर बताएं। और भारत यूनिकॉर्न के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पे आ चुका है दोस्तों, आफ्टर यूएस एंड चाइना। और भारत में भी अब इनकी जो गिनती है वो लगभग 105 जो है वो पहुंच चुकी है। तो इसका अगर उत्तर देखें, डी, चेन्नई सुपर किंग्स। दोस्तों ये आईपीएल की टीम है, इसकी वैल्यू जो है वो जो है हम कह सकते हैं कि $1 बिलियन से ज्यादा हो चुकी है जी। तो भाई ये जो 104 105 हो चुकी है, और धोनी को मिस कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत बढ़िया, लगभग 8,000 करोड़ जितेंद्र सिंह जी, 77,000 करोड़ नहीं, ठीक है, क्योंकि $1 की लगभग कीमत जो है वो 80 रुपये के आसपास है वो है, ठीक है। और 105वीं थी जो वो फायर थी, बहुत ही बढ़िया। सर मैंने आपके पास के जंगल में 7 फुट की लिजार्ड, ओहो हाँ जी, वो क्रोकोडाइल तो नहीं था देवाशीष, आरिश, और वो लिजार्ड ही थी, है ना। ये तो आपने बड़ी मतलब हैरानी जनक वाली बात कही है कि आपने जंगल में 7 फुट की जो है लिजार्ड देखी है। फिर उसके बाद कैटेगरी ऑफ यूनिकॉर्न $1 बिलियन, हाँ जी बहुत बढ़िया। ओहो देवाशीष ने तो बड़ी भयंकर बात कर दी ये। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है वो लाइट हाउस टूरिज्म से जुड़ा हुआ है दोस्तों। लाइट हाउस टूरिज्म का मतलब है यहां पर भाई, एक मतलब इसकी तस्वीर नहीं है दोस्तों, आमतौर पे इसका यूज किया जाता था 200-300-400 वर्ष पहले दोस्तों, जो सी है, जो समंदर है, वहां पर जो है एक बहुत बड़ा लाइट लगा दी जाती थी, बैटरी लगा दी जाती थी, जिससे कि जो शिप्स आ रहे हैं उनको किनारे का पता लग सके। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इसको टूरिज्म में भी वहां पर रेस्टोरेंट, गेम्स वगैरह जो हैं वो खेलने लग गए। तो डेवलपमेंट ऑफ 5 लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है, ताकि टूरिज्म प्रमोट हो, उड़ीसा में दोस्तों रिसेंटली उनको लगाने का निश्चय किया गया है एज ए पार्ट ऑफ मैरीन एड्स टू नेविगेशन 2021। और ये जो लाइट हाउसेज हैं, इन्हें डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप जो है वो मेंटेन करते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर है वो आता है। तो यहां पर हम देखें दोस्तों, सिर्फ पहला पॉइंट ठीक, दूसरा पॉइंट है वो गलत है दोस्तों। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है उसके तहत इनका निर्माण है किया जाता है, बड़ा स्ट्रेटेजी का है, लेकिन आजकल टूरिज्म पर्पज से भी इनका दोस्तों निर्माण होना शुरू हो चुका है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है मॉनेटरी पॉलिसी से जुड़ा हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट जो है, अब ये प्रश्न क्यों आया, क्योंकि दोस्तों फरवरी में मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू हुआ था। अगर मैं बात करूं इन मॉनेटरी पॉलिसीज की, साल में दोस्तों जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें 6 मेंबर्स होते हैं, हर 2 महीने के बाद ये रिव्यू करती है। 2 महीने के रिव्यू करने का मतलब हर जो है पूरे साल में 6 बार। तो भाई इसका रिव्यू अगर हम देखें, सबसे पहले अप्रैल में, फिर उसका अप्रैल मई जून, फिर जून जुलाई अगस्त, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर, फिर अक्टूबर नवंबर दोस्तों जो है दिसंबर में, और फिर लास्ट जो होता है फरवरी में होता है। तो फरवरी में रिव्यू हुआ था। तो रेपो रेट इंटरेस्ट रेट है जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों अब्सॉर्ब करता है लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंक्स। ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, क्योंकि रेपो रेट होता है दोस्तों, यहां पर वो अब्सॉर्ब नहीं करता, जो आरबीआई है बैंकों को लोन देता है, हाँ जी शॉर्ट टर्म लोन देता है। रिवर्स रेपो रेट होता है एट विच बैंक बोरो ओवरनाइट लिक्विडिटी फ्रॉम द आरबीआई। हाँ जी भाई, बैंक कैन बोरो ओवरनाइट लिक्विडिटी फ्रॉम आरबीआई दोस्तों, ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिवर्स रेपो में हम देखते हैं कि जब जो बैंक है, बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रिजर्व रखता है, लेकिन वो ओवरनाइट लिक्विडिटी जैसा कुछ भी नहीं है। तो करेक्ट की बात करें, दोनों गलत लग रहे हैं बिल्कुल, ठीक है। और ये सारी की सारी आपको जरूर पता हो, जिसमें रेपो रेट है भाई, एमएसएफ है, बैंक रेट है, रिवर्स रेपो, एसएलआर, सीआर, सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, हाँ जी, इन सभी के बारे में आपको जरूर पता हो। और क्योंकि इनसे एक प्रश्न कम से कम आने की संभावना हमेशा जो है वो बनी रहती है। हाँ जी कोई बात नहीं साहिल चौधरी, बिल्कुल आसान है, मेरे पास समय नहीं है, नहीं तो मैं इनको पूरा एक्सप्लेन करता, क्योंकि 11 बजे फिर आपकी दूसरी भी क्लास है यूट्यूब के ऊपर, जिस वजह से जो है मैं अभी शायद इसको एक्सप्लेन ना कर पाऊं, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का पहला दोस्तों कलर सोवनियर कॉइन जो है लॉन्च किया गया है भाई, ये एक दोस्तों यादगारी के रूप में जो सोवनियर कॉइन्स इशू किए जाते हैं,
तो इसका थीम क्या है, महाभारत, रामायण, जटाका टेल्स या पंचतंत्र? तो हमारी निर्मला सीतारमण जी ने इसे जो है वो रिलीज किया था दोस्तों, इसका जो उत्तर है पंचतंत्र। फिर एक इनिशिएटिव है वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम दोस्तों, जो महिलाओं के लिए जो है वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया, इसको किस बैंक के साथ मिलकर जो है भाई दोस्तों वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू किया है, ताकि बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स घर में या दोस्तों आसपास पड़े हैं उनसे जो है कुछ इस तरह का निर्माण हो, जिसका जो जो दोस्तों जिसको कि एक सजावट के रूप में हम घर में रख सकते हैं। जैसे आप चंडीगढ़ में रॉक गार्डन इसका एक अच्छा एग्जांपल है, आप ले सकते हैं। तो ये दोस्तों सिडबी जो है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ मिलकर दोस्तों इस इनिशिएटिव के ऊपर जो सिडबी है काम कर रही है, वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन। सिडबी फुल फॉर्म जरूर पता हो, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में है, ये भी हमें साथ साथ जरूर पता होना चाहिए। एशिया का पहला दोस्तों बायो सीएनजी प्लांट जिसको रिसेंटली इनोग्रेट किया गया है, कहां पर है? इंदौर में, पुणे में, अहमदाबाद में या वाराणसी में? बायो सीएनजी प्लांट दोस्तों, और ये एशिया का सबसे बिगेस्ट होगा, इंदौर मध्य प्रदेश में है दोस्तों इसका जो निर्माण है भाई, इसका इनोग्रेशन है वो रिसेंटली किया गया है। फिर खाइबर बस्तर, ये दोस्तों एक मिसाइल है, रिसेंटली इसका जो है अनवेल किया गया, किस कंट्री द्वारा? तो खाइबर बस्तर, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया या यूएई? तो भाई एक आइडिया आप लगा सकते हैं कि किस देश द्वारा दोस्तों, हालांकि ये जो नाम है चारों कंट्रीज के आसपास जो है घूम रहा होगा, आपको लग रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर ईरान है दोस्तों, क्योंकि सऊदी अरेबिया यूएई डिफेंस में कोई बहुत ज्यादा आरएनडी खुद नहीं करते, सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री और जापान, इन्होंने तो न्यूक्लियर अम्ब्रेला भी ले रखा है, मतलब खुद ये आरएनडी नहीं करते, इनको पूरी तरह से जो न्यूक्लियर और दूसरी तरह की सुरक्षाएं जो है वो यूएस से है भाई, पैसे के पैसा लेकर है, उनको प्रोवाइड भी करता है। तो नाम याद रखें, खाइबर बस्तर इसको कहा जाता है। फिर कॉन्कर्स एम रिसेंटली न्यूज में है, ये असोल्ट राइफल है, नवाल कॉर्वेट है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, नन ऑफ अबव, कॉन्कर्स एम, और ये चर्चा में थी। और अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें, पवन मानक, मानसी, साहिल चौधरी, पाकिस्तान जो है मत जो है भाई किया करो, और इसका जो उत्तर है दोस्तों वो है एंटी टैंक गाइड में, कॉन्कर्स एम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन है जिसको एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया 2021 का? तो ये भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर है दोस्तों, जिनका नाम है पीआर श्रीजेश, बेहतरीन प्लेयर हैं, और भी कई सारे अवार्ड्स में ये डोमिनेट हुए दोस्तों, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड एथलीट ऑफ द ईयर है इन्हें दिया गया, और जो ब्रॉन्ज मेडल जीता भारत ने ओलंपिक्स में उसमें इनका एक अहम रोल था। और आज का मुझे लगता है लास्ट प्रश्न है, ये जो स्माइल स्कीम है दोस्तों फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, ये किसने शुरू की थी? तो ताकि ट्रांसजेंडर्स जो है, जो व्यक्तियों की जो है दोस्तों उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको खत्म किया जाए और उनको रोजगार दिलाने में मदद की जाए, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या नन ऑफ द अबव? तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो उत्तर देना थोड़ा आसान ही है, और उत्तर है इसका सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इस साथ साथ याद रखें दोस्तों, ये स्कीम जो है ये ट्रांसजेंडर पर्सन के वेलफेयर पर्पन से बनाई गई है। तो भाई इसी के साथ आज का जो सेशन है वो खत्म हो रहा है, आपको जो है भाई उम्मीद करूंगा सारा सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन को लाइक जरूर कर दें भाई, लाइक करने में बड़ी कंजूसी हमेशा दिखती है मुझे, और इसे शेयर और लाइक भी जरूर कर दें। धन्यवाद।